गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 8. वी आर इन चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और हम क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 4.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व कर रहा हूँ. अब इसमें ये कंडीशन है कि व्हेन टू डायगोनल्स एंड थ्री साइड्स आर गिवन, मतलब इसमें आपको दो डायगोनल्स और तीन साइड्स के मेजरमेंट दिए गए होंगे और इसी के ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन करना है. तो ये कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है. आइए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, जब तीन साइड का मेजरमेंट और दो डायगोनल का मेजरमेंट दिया हो तो कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप नोट डाउन कर लीजिए मेजरमेंट और फिर इसके ऊपर से एक रफ़ फिगर बना दीजिए. रफ़ फिगर बनाने के बाद आप कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कर सकते हो. यहाँ पर जो दो डायगोनल्स के मेजरमेंट है दैट इज़ LF एंड IT, LF का मेजरमेंट 4.5 है और IT का मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर. तो मैं कहीं से भी शुरुआत करूं, मैं यहां से शुरुआत करना बहुत बेहतर रहेगा कि मैं LIFT में ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको LIF ट्राइंगल वहां से शुरुआत करूंगा. वहां से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोनों साइड की मेज़रमेंट दी है. अगर दोनों साइड की मेज़रमेंट दी है तो मैं ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं. इसलिए मैं शुरुआत कहां से करूंगा, ये जो डायगोनल है ना 4.5 वाला वो पहले मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा. तो बच्चों मैं आइए कैसे करते हैं, लेट अस सी. सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ 4.5 सेंटीमीटर का एक डायगोनल. नाम दे दिया LF 4.5 सेंटीमीटर. तो ये एक लाइन बना दीजिए 4.5 सेंटीमीटर. फिर आपका L को सेंटर में लेते हुए एक लाइन एक आर्क बनाइए 4 सेंटीमीटर का. तो आप 4 सेंटीमीटर का एक आर्क कंस्ट्रक्ट करना है. आपके जो राउंडर से आप मेजरमेंट लीजिए. तो टेकिंग L एज सेंटर मैंने एक आर्क ड्रो किया. फिर F को सेंटर में लेते हुए 3 सेंटीमीटर का दूसरा आर्क बनाना है आपको जो इसको इंटरसेक्ट करेगा. अब 3 सेंटीमीटर का F को सेंटर में लेते हुए ये 3 सेंटीमीटर का आर्क जो इंटरसेक्ट हो ये किया मैंने. अब आप क्या करेंगे, LI और FI को जोड़ दीजिए. तो मैं सबसे पहले ये जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको I नाम दूंगा क्योंकि ये पॉइंट है. अब मैं इसको जोड़ूंगा LI को जो कि मेरा 4 सेंटीमीटर का है. ये जोड़ दिया. फिर मैं जोड़ूंगा FI को जो मेरा 3 सेंटीमीटर का है. ये यहाँ पे जोड़ दिया. तो मेरा ये पार्ट कंस्ट्रक्ट हो गया. अब बच्चों मुझे यहाँ से ये जोड़ने के बाद अब मुझे दूसरा एक ट्राइंगल बनाना है. अब मैं क्या करूँगा कि ये दो का भी मेज़रमेंट मेरे पास है, ये भी ट्राइंगल बन रहा है. देखो TIL टिल ये ट्राइंगल इतना जो मैंने डार्क करके अभी अभी दिखाया आपको, क्योंकि ये ट्राइंगल इसलिए कंस्ट्रक्ट करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ भी दो साइड्स का मेजरमेंट है. तो ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना चाहूँगा. अब इसका बेस है मेरा 4 सेंटीमीटर का, आपको पता है दिस इज़ 4 सेंटीमीटर बेस. तो मैं 4 सेंटीमीटर का पहले एक डायगोनल ड्रॉ करना चाहूँगा. अब वो डायगोनल मैं ड्रॉ कहाँ से करूँगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से पास होता हुआ राइट. और इसमें भी ये दो ट्राइंगल का मेरे पास ये तो मेज़रमेंट ऑलरेडी है, 4 किया हुआ है. तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से बेस बनाऊँगा जो 4 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट का हो.
अब यहाँ से मैं 2.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लूँगा, जो एल को सेंटर में करते हुए बनाना है, ये आर्क। ये तो मेजरमेंट ऑलरेडी आपके पास है, ये आर्क ड्रॉ किया। अब ये आप बाद में करो तो भी चलेगा, जो आपने दिया था पहले आर्क ड्रॉ कर लेना। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से 4 सेंटीमीटर का एक डायगोनल ड्रॉ कर दोगे, दिस इज डायगोनल। फिर आप इनको जोड़ दीजिए और ये भी जोड़ दीजिए, तो ये आपका LIFT, ये आपका हो गया T, ये हो गया 2.5, ये हो गया 4, ये हो गया 3, और इसका मेज़रमेंट नहीं दिया है, और ये डायगोनल भी 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका पूरा क्वाड्रिलेटरल तैयार। सो क्वाड्रिलेटरल LIFT इज रेडी नाउ फॉर यू। तो बच्चों बहुत आसान है ये कंस्ट्रक्ट करना। इसका एक और कंस्ट्रक्शन है, वो मैं अभी आपको भेज रहा हूँ दूसरे वीडियो में, जब कि आपको रोम्बस बनाना है, ठीक है। बाकी के सम है वो आप होमवर्क में कर दीजिए, कोई डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।